सुप्रभात। आज मैं आपके लिए संस्कृत में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वाक्य शुद्धिकरण यानी वाक्य को शुद्ध करना। इसमें आपको कुछ वाक्य दिए होंगे, उसमें से एक शब्द जो है वो गलत होंगे, उस शब्द को आपको क्या करना है, शुद्ध करना है यानी सही करना है। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया को बदलना होता है और क्रिया के अनुसार कर्ता को बदलना होता है उस वाक्य में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे है वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, तो वाक्य शुद्धिकरण के लिए हमें चार चीज़ों को जानना आवश्यक है। ठीक है, वो चार चीज़ें क्या हैं? एक है लिंग, वचन, पुरुष और काल। लिंग में आते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। काल कितने होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, वाक्यों को शुद्ध कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और है, कर्ता। कर्ता यानी इसमें लिखते हैं, इसमें सब चीज़ इंक्लूड होता है। जैसे पुरुष यहाँ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कर्ता कौन कौन से होते हैं? सह, सह मीन्स होता है वह। ठीक है, या तो सह की जगह किसी का, एक सिंगल पर्सन का नाम भी होता है। तो मीन्स वे दोनों, ते वी सब। अब मध्यम पुरुष में है त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अब उत्तम पुरुष के कर्ता है अहम, अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, वह मीन्स हम सब या हम लोग। ठीक है, अब आज मैं आपको वर्तमान काल का वाक्य बनाना सिखाऊंगी, वर्तमान काल काल के वाक्यों को शुद्ध करना सिखाऊंगी। यह वर्तमान काल में क्या चलता है, उसका रूप ति तह अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। ठीक है, तो यहाँ करता है, यह वर्तमान काल का रूप है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धातु को यानी किसी भी क्रिया को हम यहाँ पे जोड़ करके लिखते हैं। यानी इस वाक्य में, वाक्य शुद्धिकरण में जो है कर्ता के अनुसार क्रिया को क्या किया जाता है, बदला जाता है। अगर कर्ता एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होता है। अगर कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का हो तो क्या होता है, क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन का ही होगा। तो चलिए किस तरह से हम लोग इससे करते हैं वो हम अब देखते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझाऊंगी। अब यहाँ देखिए पहला उदाहरण है सब पठंती। ठीक है, तो पठंती के नीचे जो है वो अंडरलाइन है, तो इसे हमें क्या करना है, शुद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सह जो है वो किस पुरुष और किस वचन का शब्द है। यहाँ देखिए सह, तो सह जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो हम लोग वर्तमान काल में भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेंगे। तो यहाँ क्या है, ती। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठंती के जगह में क्या हो जाएगा, पढ़ती। यहाँ अंति है, तो अंति कहाँ पे है, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो हमें क्या लेना है, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द लेना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे स पठती, स पठती। तो पठंती को हमने शुद्ध करके क्या लिख दिया, पठती। अब है यूयम पाठम पठथा, यूयम पाठम पठथा। तो यूयम कहाँ पे है वो हम देखेंगे, तो यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो वर्तमान काल में भी हम लोग मध्यम पुरुष, ठीक है, बहुवचन का देखेंगे, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, थ है। तो यहाँ पे हम थ की जगह क्या लगाएंगे, सिर्फ थ लगाएंगे, तो यूयम पाठम पठत, पठत। ठीक है, अब है नेक्स्ट अहम पुस्तकम पठावा। तो अहम हमें देखना है कि किस पुरुष और किस वचन का शब्द है, तो अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पे देखिए वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, आमी है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, पठावा लगा हुआ है, जो कि ये क्या है, रॉन्ग है, इसे हमें शुद्ध करना है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, उत्तम पुरुष एक वचन यानी आमी, तो अहम पुस्तकम पठामी,
नेक्स्ट है वयम विद्यालयम गच्छामि, ठीक है। तो वयम हमें देखना है, तो वयम जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ भी देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, आमह है, तो आमी की जगह क्या लगेगा, आमह। तो वयम विद्यालयम गच्छामः। नेक्स्ट है त्वम गीतम गायामि, ठीक है। त्वम तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिया को चेंज करना है किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता जो है त्वम वो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हम लोग वर्तमान काल को भी देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में तो क्या है, सी है, तो इसके साथ क्या लगेगा, त्वम के साथ सी लगेगा। तो त्वम गीतम क्या हो जाएगा, गायसी। नेक्स्ट है रामा लिखसी, ठीक है। अब है राम, तो राम देखिए यहाँ पे क्या है, राम जो है वो नाम है किसी का, सिंगुलर पर्सन का नाम है, तो मैंने यहाँ बताया था सह या नाम जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, तो प्रथम पुरुष एकवचन में ती लगता है, तो इसके साथ क्या होगा, रामा लिखती। लिखती, ठीक है। अब देखिए आपको आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने वाक्यों को शुद्ध करना कैसे बताया आपको, अब वाक्य को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, यानी जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगा, एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन की ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करना है, उसके लिए आप लोग कर्ता और वर्तमान काल का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप लोग इसे चेंज कर पाओगे। आज मैंने आपको वर्तमान काल के बारे में बताया, बाकी आपको मैं भूतकाल और भविष्यत काल के वाक्यों को भी शुद्ध करने के लिए बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।